Hey everyone, Hare Krishna, welcome back to my channel Rupali's Activity. Guys, आज का जो दिन है सबको पता है बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, मतलब दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट त्यौहार है, सबसे स्पेशल त्यौहार है, सबसे उत्तम त्यौहार है. आज जन्माष्टमी है, तो आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी. जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं भेजती हूँ आप सभी को. आप भगवान की कृपा प्राप्त हो, आप सबको भगवान अपना कृपा दृष्टि दे. तो ठीक है, आज की जो पूजा है आप सब धूमधाम से मनाइए. आई थिंक हर कोई मनाता है एंड आई होप आप सब लोग भी बहुत ही धूमधाम से मना रहे हमारे कृष्ण के यू नो वेलकम, कृष्ण को वेलकम करने के लिए, क्योंकि आज जो है 12 बजे के बाद कृष्ण का जन्माष्टमी है, मतलब कृष्ण जन्म लेगा. वैसे तो कहा जाता है कि कृष्ण जन्म नहीं लेता, क्योंकि कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जो इस पूरे संसार का संचालक है, जो इस पूरे संसार का तारनहार है और पूरे संसार को चलाते हैं, जिन्होंने हम सबको निकाला, वो तो अजन्म है, उनका कभी जन्म नहीं होता. बस ये बोल सकते हैं आज का जो दिन है कि एक भगवान का लीला है, तो उस लीला में ये जन्माष्टमी मनाया जाता है. आज के दिन भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, देवी की माँ के गोद में प्रकट हुए थे. इस दिन को भगवान के जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है. तो आशा करते हैं आप सब लोग जन्माष्टमी की पूजा बहुत ही धूमधाम से कर रहे हैं. तो मैं आप सभी को ढेर सारा प्यार और बधाइयाँ देती हूँ, बिकॉज कृष्ण आने वाले हैं, 12 बजे की बात होगा. तो आज जो है मैं अपना वीडियो, अपना जो ब्लॉग है वो है, मैं अपना कान्हा को मैं कैसे सेवा कर रही हूँ, क्योंकि आज 12 बजे से पहले आज सुबह का जो पूजा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे पूजा कर रही हूँ, जन्माष्टमी के दिन कैसे पूजा कर रही हूँ. तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिए एंड भगवान की पूजा का आनंद लीजिए. एंड यस, अगर कोई भूल होती हो तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ भाव से पूजा करती हूँ, जो मुझे जैसा आता है मैं वैसे पूजा कर रही हूँ, और सब भाव के ऊपर ही आधारित है, यू नो. सो वीडियो के और चलते हैं. तो देखिए, यहाँ पे पूजा शुरू करने से पहले, क्योंकि आज जो है मैं व्रत करने वाली हूँ, तो व्रत के लिए पहले थोड़ा सा फूल अपने हाथ में लेके मैं, मतलब भगवान को बोल रही हूँ कि भगवान आज मैं व्रत कर रही हूँ, तो आज मेरी व्रत की यू नो टाइम शुरू होती है अब से, तो मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा मैं अपना व्रत पूरा कर पाऊँ. और मुझे कुछ पता नहीं है, सब आपकी कृपा है, सब आप ही जानो भगवान, बस मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं कर पाऊँ. तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक येलो कलर के कपड़े मैंने बिछा दिया है भगवान के लिए, क्योंकि भगवान को येलो कलर बहुत पसंद है. आज के दिन येलो कलर यूज़ करने से ज़्यादा, मतलब अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने ये कपड़ा बिछाया और उसके ऊपर फूल ऐसे रख रही हूँ. तो देखिए, अभी जो है भगवान को जिस थाली में स्नान कराती हूँ वो थाली में तैयार कर रही हूँ यहाँ पे. तो देखिए, यहाँ पे मैंने चंदन लिया है, ये गोपी चंदन है. गोपी चंदन भगवान के काम में, भगवान कृष्ण के काम में यूज़ किया जाता है, तो मैं गोपी चंदन ही यूज़ करती हूँ. तो गोपी चंदन को इस तरीके से मैं गंगाजल की मदद से मैं लेप बना रही हूँ. उसके बाद इसे लेके मैं जो प्लेट है इस पर मैं स्वस्तिक बनाऊँगी, तो यहाँ पे बनाऊँगी. पहले स्वस्तिक बना लेते हैं. जैसे कि आप सबको पता ही है, स्वस्तिक हमारे हिंदू कल्चर में बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए हर काम स्वस्तिक से ही ज़्यादातर करते हैं भगवान के काम. तो इसलिए मैं स्वस्तिक बना रही हूँ, ताकि मैं इसके ऊपर मैं भगवान को विराज कर उसके बाद मैं स्नान की जो प्रक्रिया है वह शुरू कर सकूँ. अभी जो है मैं भगवान को
गोपाल को अपनी शामू को स्नान करवाऊंगी पंचामृत से। तो देखिए, तो गाइस देखिए हमारे शामू जो है रेडी हो चुका है स्नान के लिए। तो देखिए मैं सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान करा रही हूँ, क्योंकि मैं पंचामृत से स्नान कराने वाली हूँ। आज सुबह का भी जो पूजा है पंचामृत से स्नान कराऊँगी, तो उससे उसके लिए सबसे पहले शुद्ध पानी का बहुत ज़रूरत है। उसके बाद मैं दूध से स्नान कराऊँगी। तो देखिए मैं अभी दूध से स्नान करा रही हूँ, और उसके बाद जो है दही से स्नान कराऊँगी। तो एक के बाद एक ऐसा आएगा, प्रोसेस चलता रहेगा। तो देखिए अभी मैं दही से स्नान करा रही हूँ, और उसके बाद मैं फिर से पानी से स्नान कराऊँगी। अगर दूध से स्नान कराया तो फिर पानी डालना है, अगर दही से स्नान कराया तो फिर पानी डालना है। तो इस प्रकार से हमें स्नान जो है भगवान की ऐसे करानी चाहिए, गोपाल की। तो अभी जो है मैं घी से स्नान करा रही हूँ। तो देखिए हमारी शामों को मैं कितने अच्छे से घी लगा रही हूँ, और अभी फिर से मैं पानी जो है उसको पानी मतलब जल से स्नान करा रही हूँ, और अभी फिर से शहद का इस्तेमाल करूँगी। तो अभी मैं शहद से शामों को स्नान करा रही हूँ। अभी फिर से पानी डालूँगी, पानी से स्नान करा रही हूँ। तो देखिए अभी जो है शामों ने नहा के ख़त्म कर लिया। अभी मैं अच्छे से साफ़ करूँगी अपने शामों को, मतलब जो घी और दही लगा है वो सब अच्छे से पोंछ के साफ़ कर दूँगी। तो देखिए हमारे शामों जो है कितनी मतलब सुंदर लग रहे हैं और चमक रहे हैं। देखिए अब जो है भगवान का स्नान हो गया। अभी जो है मैं भगवान को जो इत्र है ना उससे मैं लगाऊंगी, क्योंकि इत्र भगवान को पसंद सेंट आती है ना। तो मैं शामू को मेरे काना को इत्र से मैं अपने पूरे बॉडी पे लगा दूंगी। और उसके बाद जो है श्रृंगार मतलब जो ड्रेस है भगवान के लिए, जो ड्रेस लेके आई थी तो वो मैं पहनाऊंगी। उसके बाद जो यू नो श्रृंगार है जो कि मैं चंदन से करती हूँ वो करूँगी। सो लेट्स हैव अ लुक। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो अभी हमारी शामों को ये जो इत्र है इत्र लगाऊंगी। इत्र लगाने से बहुत खुशबू आती है, और यस भगवान के पूजा में इत्र का यूज़ होता है। तो इसलिए मैं अभी शामों को इत्र से अच्छे से मैं लगा दूंगी। पहले अपने हाथ में लगा रही हूँ अच्छे से, और उसके बाद मैं शामों के पूरे बॉडी पे ऐसे इत्र लगा दूंगी। तो देखिए ऐसे, तो देखिए ऐसे हल्के हल्के हाथों से प्यार से एकदम लगा देनी है पूरे बॉडी पे शामों के। तो ऐसे लगा रही हूँ। तो ये देखिए हमारे शामों के पिंक कलर की ड्रेस, आज की सुबह का ड्रेस तो ये पहना रही हूँ अपनी शामू को। मुझे ये ड्रेस ना मुझे बहुत अच्छा लगा, तो अभी जो है मैं ये पहना रही हूँ। तो अभी देखिए हमारे काना के लिए ये ग्रीन कलर की माला, देखिए बहुत प्यारा है ना, मुझे बहुत प्यारा लगा इसलिए मैंने ये लिया। और मतलब ये पिंक कलर के साथ बहुत अच्छा जा रहा है। यहाँ आसन पे सबसे पहले अपने काना के लिए फूल से जो आसन है उसको भर रही हूँ, फूल से आसन बना रही हूँ ताकि हमारी काना हमारी शामू जो है आराम से बैठ सके। तो देखिए मैं फूल से सजा रही हूँ आसन को। कन्हैया की बाल लीलाओं में
सबसे नटखट लीला दे दी है, बाद में निकल गया। मैं नहीं हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की विशेषता है कि इतना ही नहीं माँ ने देख भी लिया, अब मुख से निकल गया मैं नहीं माँ हूँ। बोलो हैप्पी जन्माष्टमी, बोलो जरा से माखन के पीछे इतनी बड़ी बात माँ कैसे सुन लेती। सूरदास तब हसी जसोदा सूरी माखन खाओ माखन आधे हाथ से माखन खायो। कन्हैया कह रहे हैं माखन स्किन, गिव योर स्किन कंप्लीट केयर। कृष्ण की हाला ऐसी हाला बीपी करके चला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोलो हैप्पी हैप्पी जन्माष्टमी जन्माष्टमी। सो गाइस तो ये था मेरा आज जन्माष्टमी का पार्ट वन वीडियो, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी बिकॉज अभी जो है ये सुबह का पूजा है, मॉर्निंग का पूजा है, और जो 12 बजे के बाद पूजा होगी वो तो उसी के लिए तो हम लोग वी आर वेटिंग फॉर दैट टाइम नो, क्योंकि 12 बजने से तो 12 बजने के बाद तो भगवान जन्म लेगा, उस समय का सबको इंतज़ार है, तो इसलिए वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं आज का ये मॉर्निंग का जो ब्लॉग है ये पार्ट वन है, जन्माष्टमी पार्ट वन वीडियो है, ये मैं यही पे ख़त्म करती हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट टू के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड भगवान की पूजा करते रहिए। आपको जैसे आता है सिंपल तरीके से करिए, लेकिन भाव से करिए, भगवान भाव के भूखे हैं, जैसे कि आप सबको सुनने में मिलता ही है भगवान श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, तो उनको बस भाव दीजिए, अपना जो भाव है वो समर्पित कीजिए, बाकी सब भगवान की इच्छा भगवान की कृपा। ठीक है, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। हरे कृष्णा।